नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू एंड आप देख रहे हो पिंटू टैक्स। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपके पास पोको का कोई भी फ़ोन है और उसमें वोल्टी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे कि गाइस आप मेरे फ़ोन में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है BOLTE, आपके फ़ोन में जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की गाइस आपको मैं ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। और गाइस इसे में प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, अगर गाइस आपके फ़ोन में वोल्टी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा तो आप किसी पर भी कॉल करते हो, वॉइस कॉल करते हो, तो आपकी जो कॉलिंग होती है वो HD कॉलिंग नहीं होगी, आवाज़ आपके पास सही से नहीं आएगी ना तो सही से जाएगी, और आप अपने फ़ोन में YouTube वगैरह भी यूज करते हो तो वो भी सही से नहीं चलेगा। सो गाइस इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज ही गाइस आपको मैं चीज़ सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो अभी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सीख लेते हैं। तो आपको इसे सही करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन सेटिंग में। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन सेटिंग में चला जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोन सेटिंग को देख लेता हूँ। फोन सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपके फ़ोन में जो भी सिम पड़ी है यहाँ पर शो हो गई, ठीक है, ये है सिम स्लॉट। तो मेरे फ़ोन में एक सिम पड़ी हुई है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे। सिम में आपकी प्रॉब्लम है उस सिम पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यूज वोल्टी, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो आपको ये ऑप्शन देख लेना है आपको अपने फ़ोन में, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है ऑन हो रखा है या ऑफ है, ठीक है। अगर यहाँ से ऑफ हो रखा होगा तो वोल्टी ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसे बंद किया है, ऊपर आप देख सकते हो वोल्टी ऑप्शन गायब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। जैसे ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर वोल्टी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, अभी वोल्टी ऑप्शन यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया, यहाँ से आप सही कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से भी सही नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन है, हमें यहाँ से बैक जाना है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से मैं वापस हो जाता हूँ। वापस होने के बाद आपको यहाँ पर अपने डायल पैड को ओपन करना है, यहाँ से हम अपनी कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे डायल पैड पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर एक कोड को डायल करना है। कोड है *#*#4636, ठीक है। इतना सा डालने के बाद आपको फिर से हैज लगाना है, फिर स्टार लगाना है, फिर हैज लगाना है, फिर स्टार लगाना है। जैसे ही लगाओगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है फोन इन्फॉर्मेशन 2, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है LTE ओनली, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है LTE ओनली, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये, ठीक है। आपके फ़ोन में ये सिलेक्ट नहीं हो रखा होगा, आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे इसे आप सिलेक्ट करोगे आपके फ़ोन में जो है वोल्टी ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में वोल्टी ऑप्शन आ चुका है। सो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस प्रकार से कर सकते हैं। गाइस आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए होंगे, और आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।